ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ कट्टरपंथी और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पंजाब में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के 78 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया है। पहले अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार होने की भी खबरें चली, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। इसके बाद शनिवार देर रात पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अमृतपाल शनिवार को उस वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था जब उसके काफिले को जालंधर में रोका गया था। तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पूरे पंजाब में छापेमारी चल रही है। पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल CRPF भी मौजूद है। छापेमारी के दौरान पुलिस को अमृतपाल सिंह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। अमृतपाल सिंह के फाइनेंसर दलजीत कलसी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद हुआ है। दलजीत कलसी से भगोड़े अमृतपाल के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है। दो कारों को भी जब्त किया गया है। वहीं अमृतपाल सिंह के खिलाफ ऑपरेशन में 8 राइफल्स, 1 रिवॉल्वर समेत 9 हथियार बरामद हुए हैं। पंजाब के हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है और किसी भी तरह की मदद के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियों को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के अमृतसर, फरीदकोट, मुक्तसर समेत कई जिलों में रविवार रात 12 बजे तक इंटरनेट और SMS सर्विस बंद है। साथ ही धारा 144 भी लागू है। इधर जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने भगोड़े अमृतपाल को जल्द अरेस्ट करने की बात कही है। वो पगोड़ा होया पंजा होया ते असी कोशिश कर रहे हैं ते जल्दी उन्हें फड़ लेंगे। पंजाब पुलिस ही हैगी, पंजाब पुलिस ही लगी हुई है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ? ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 78 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਤੋਂ ਹਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। खुद को बंपर शेर बताकर पंजाब में युवाओं को असला उठाने के लिए उकसाने वाले अमृतपाल सिंह के पुलिस के डर से गीदड़ की तरह फरार होने की घटना भी फिल्मी है। पंजाब पुलिस जब उसका पीछा कर रही थी तब वो डरा हुआ था। उसके साथ कार में बैठा उसका साथी उससे शांत रहने की बात कर रहा था। साथ ही लाइव लोकेशन भेजने के साथ ही भीड़ जुटाने की गुहार भी लगा रहा था। उसके साथ ही खेतों में भागते हुए सोशल मीडिया पर लाइव थे। खबरें भी चली कि वो कार से उतरकर पहले स्कूटर और फिर साइकिल से गलियों से होते हुए पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव को पुलिस ने सील कर दिया है। इसी गांव में अमृतपाल सिंह का घर है। उसके घर के बाहर भी पुलिस की टीम मौजूद है। हालांकि अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह का दावा है कि उन्हें अमृतपाल के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। वो अभी कहाँ है ये नहीं पता। अरेस्ट है, बाहर है, पुलिस हमारे घर में रही है 3-4 घंटा। उन्होंने इधर सर्च भी किया, उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो गैर कानूनी हो। तो लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है, है? लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई अलीगल हो। बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको। लेकिन सीनियर ऑफिसर भी आए थे, SSP 2 डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उन्होंने भी अभी तक बोले कि अभी हम लोग को भी उनको भी बोलते कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं अभी वो हमसे छुपा रहे हैं। बताया कि कोई अरेस्ट करना है या ऐसा कुछ? हाँ वहाँ वहाँ वो बोल रहे थे कि अरेस्ट करना है। तो मैं बोले अरेस्ट करना तो ये घर से 8-8:30 बजे गए, उस टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी गुटों से करीबी कनेक्शन है। अमृतपाल सिंह को UK में मौजूद खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। पंजाब में अमृतपाल सिंह की तेजी से बड़ी शोहरत के पीछे भी खांडा का हाथ बताया गया है। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन मुक्तसर साहिब में अमृतपाल सिंह के खालसा मार्च से ठीक पहले लॉन्च किया।
इस कार्यक्रम में अमृतपाल सिंह को भी शामिल होना था, लेकिन पंजाब पुलिस ने पहले ही अपना शिकंजा कस दिया। अमृतपाल ही नहीं, उसके सपोर्टर्स भी पंजाब पुलिस के टारगेट पर है। मानसा में प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों अमृतपाल समर्थकों को पुलिस ने अरेस्ट में लिया है। पंजाब पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या फेक न्यूज पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। एक महीने पहले अमृतपाल और उसके समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक किया था। सैकड़ों लोगों ने तलवार और बंदूक लेकर अपने एक साथी को छुड़ा लिया था। तब पंजाब पुलिस को वहां से भागना पड़ा था। अब अमृतपाल आगे आगे है और पंजाब पुलिस उसके पीछे लगी हुई है।